हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोसीफ एफ एफ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर AECC इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि जो AECC का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा आता है और उसका पैटर्न कैसा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और कितने टाइम के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना होता है और इसकी मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, तो ये सब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर CBS का है, तो AEC इंग्लिश। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपको आएगा अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन 150 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे आपको कुल चार क्वेश्चन आएंगे और चार में से कोई तीन आपको करने होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में से, जो कि पांच मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसको फुल स्क्रीन पे करके इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है जो वो आपको एक आएगा पैराग्राफ राइटिंग, ये देख सकते हैं आप। तो ये आएगा आपको 10 मार्क्स का, इसमें कोई चॉइस वगैरह नहीं होगी, ये आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आएगा, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, तो इसमें आपको 7 पार्ट दिए जाएंगे और 7 में से 5 करने हैं आपने, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आएंगे, ये देख सकते हैं आप, 7 पार्ट। तो इसमें भी आपको करने होंगे कोई 5, ये देख सकते हैं आप। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो सी पार्ट के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपको आएंगे 8 पार्ट, बट आपको करने होंगे 5। तो इतना सा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।